कपिल शर्मा, द कॉमेडियन कपिल शर्मा की एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है ज्विगाटो, जो कि जोमेटो और स्विगी के नाम को जोड़कर बनाई गई है। और इस फिल्म को लेकर जो कपिल शर्मा ने जमकर प्रमोशन किया, मतलब पहले तो लोग कपिल शर्मा के शो में प्रमोशन करने के लिए आया करते थे, चाहे बॉलीवुड के लोग हो, चाहे साउथ के लोग हो, चाहे कोई अपनी बुक लॉन्च करने आ रहा है, तो तरह तरह के लोग अपने प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा के शो में आते हैं। लेकिन जब कपिल की फिल्म आई तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग मीडिया चैनल्स पर इन्फ्लुएंसर्स के साथ अपनी इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। कुछ लोगों को इस फिल्म की कहानी ठीक लगी और कुछ लोगों ने कहा कि इस फिल्म की कहानी को जिस तरह से दिखाया जाना चाहिए था, उस कहानी को जानते हुए भी सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सके। कुछ का कहना है कि कपिल ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, मतलब एक कॉमेडियन इतना गंभीर रोल कर रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कपिल शर्मा गंभीर रोल करते हुए भी ऐसा लग रहा था कि कॉमेडी ही कर रहे हैं, इनकी जगह पर किसी और को लिया जा सकता था, ये फिल्म और बेहतर बन सकती थी। लेकिन इसमें नंदिता दास ने सोचा होगा कि एक कॉमेडियन अगर सीरियस रोल करेगा तो लोग उसे देखने के लिए सिनेमा घरों में जाएंगे। लेकिन इसका ठीक हुआ उल्टा, सिनेमा घर में कोई गया ही नहीं। कहा यह जा रहा है कि फिल्म का बजट जो है वो 10 से 15 करोड़ के बीच का है और पहले दिन सिनेमा घर पूरी तरह से खाली रहे, 90% शोज जो है वो कैंसिल कर दिए गए। और पहले दिन इस फिल्म की कमाई जो मीडिया वाले बता रहे हैं, किसी ने 40 लाख बताया, किसी ने 50 लाख बताया, और केआरके ने जो अमाउंट बताया वो सुनकर तो आपका दिमाग ही घूम जाएगा कि भाई ये है क्या। केआरके ने पहले दिन की इसकी कमाई बताई है 1,90,000 रुपए, और ऐसा कहा जा रहा है कि केआरके की बातों में सच नजर आ रहा है, क्योंकि सिनेमाघर वाकई में खाली ही थे, सिनेमाघर कहीं से भी भरे हुए दिखाई नहीं पड़ रहे थे। लोगों का यही कहना है कि कपिल शर्मा कॉमेडी के लिए तो ठीक है, लेकिन इस तरह के गंभीर रोल उन्हें नहीं करने चाहिए। अगर उन्हें फिल्में करनी ही है तो फिर कॉमेडी फिल्में बनाएं, उसमें एक्टिंग करें, तो हो सकता है कि लोग देखने के लिए चले भी जाए। लेकिन कपिल शर्मा जो नहीं जानते हैं एक सीरियस रोल करना, उसमें उनको नहीं आना चाहिए था। इस रोल के लिए या तो आयुष्मान खुराना को ले सकते थे, या राजकुमार राव को ले सकते थे, या नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले सकते थे, कई सारे लोगों को ले सकते थे। लेकिन जिन जिन कलाकारों के मैंने नाम गिनाए, अब तो इनकी फीस भी बहुत ज्यादा हो गई है, और इस फिल्म का बजट जो है वो 10 से 15 करोड़ के बीच का है, और इससे कहीं ज्यादा फीस ये लोग चार्ज करते हैं। वैसे तो कपिल शर्मा के भी चार्जेस पर एपिसोड जो कपिल शर्मा करते हैं उसमें अच्छे खासे ही है, लेकिन यहां पर कपिल शर्मा को फिल्मों में आना था, एक एक्टर के तौर पर खुद को दिखाना था कि वो भी एक्टिंग करना जानते हैं, इस वजह से उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कहा होगा। और क्या सोचकर इस फिल्म को बनाया गया, उस फिल्म की कहानी को सही तरीके से प्रस्तुत किया है कि नहीं किया है, जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा है आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को सिंगल रेटिंग दी है, मीडिया वालों ने 3.5 की रेटिंग दी है, कुछ ने 2.5 की रेटिंग दी है, हालांकि 4 की रेटिंग इसे किसी ने भी नहीं दी। तो आपको क्या लगता है कि ये फिल्म वाकई में अच्छी है, या अच्छी फिल्म बन सकती थी लेकिन इसे बहुत बुरे तरीके से बना दिया गया?